देखिए कि हर 15 दिन में या तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जाके सुनिएगा 8,000 करोड़, 16,000 करोड़, 20,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं। बिहार में भी हम लोग साथ भी थे, वो समय भी हमने देखा है चुनाव का। कहाँ कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बिहार की तरफ नजर भी उठा के देखे जो हमारी सरकार है। और सबसे दुखद पक्ष यह है कि विशेष मदद या विशेष सहायता की तो बात छोड़िए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है और तंज कसते हुए कहा है कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से नीति आयोग को लेकर उन्हें किसी भी प्रकार की राज्य के मुख्यमंत्रियों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। दरअसल वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि जब मोदी सरकार नहीं थी, जब केंद्र में बीजेपी नहीं थी, तब नीति आयोग के लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से सलाह ली जाती थी, बात की जाती थी। साथ ही साथ अमित शाह और पीएम मोदी पर हमलावर होते हुए बोला है कि पीएम मोदी और अमित शाह जो हैं सिर्फ वोटिंग के लिए जब रैलियों में आते हैं तो बड़े बड़े घोषणा करते हैं, उसके बाद उन घोषणाओं का क्या होता है ये बात तो समझ नहीं आती। क्या कुछ विजय चौधरी बोल रहे हैं केंद्र सरकार को लेकर, हम आपको छोड़े जाते हैं उन तमाम बातों के साथ। देखिए कि हर 15 दिन में या तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जाके सुनिएगा 8,000 करोड़, 16,000 करोड़, 20,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं। बिहार में भी हम लोग साथ भी थे, वो समय भी हमने देखा है चुनाव का। कहाँ कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बिहार की तरफ नजर भी उठा के देखे जो हमारी सरकार है। और सबसे दुखद पक्ष यह है कि विशेष मदद या विशेष सहायता की तो बात छोड़िए, जो हमारा हक है, जो संवैधानिक व्यवस्था में जो हमारा हिस्सा बनता है वो देने में दिक्कत होती है, वो देने में परेशानी करते हैं। अभी आपने पिछले कैबिनेट में पढ़ देखा होगा, निर्णय में बात देखने में छोटी लगती है लेकिन जरा सोच के देखिए। हम तो बिहार के शिक्षकों से जरूर कहेंगे कि जरा नज़र खोल के देखिए कि समग्र शिक्षा अभियान जो केंद्र प्रायोजित योजना है, दोनों राज्य मतलब सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी से उसमें राशि एकत्रित होती है और शिक्षकों के तनख्वाह से लेके बाकी चीज़ें होती हैं, उसमें जो केंद्र सरकार का हिस्सा आना था मैंने वो कोई अनुदान या कृपा नहीं है, वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनको देनी थी, उन्होंने समय पर नहीं दिया, जिसके लिए उनके हिस्सा का 35 अरब से अधिक रुपया हम लोगों ने पिछले कैबिनेट में राज्य के अपने संसाधन से दिया है और तब अपने राज्यांश में मिला के हम बिहार के शिक्षकों का वेतन देने जा रहे हैं। ये तो हमारे साथ होता है। जीएसटी का ये बहुत बकाया है क्या आप लोगों के पास? जी, जीएसटी का बकाया तो देर सवेर हम लोग सेटल कर लेते हैं, क्योंकि जीएसटी की जो व्यवस्था है उसमें भी बाकी रखते हैं, लेकिन हम लोग फिर ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ जाड़ करके ले लेते हैं। लेकिन सबसे दिक्कत जो होती है, और नीति आयोग को जो आप कह रहे हैं बैठक है, नीति आयोग को देखना है कि नीति आयोग ने ही एक मुख्यमंत्रियों का समूह बनाया था केंद्र प्रायोजित योजनाओं के की समीक्षा के लिए, और उसका रिपोर्ट है जो नीति आयोग भी मान चुकी है, केंद्र सरकार भी मान चुकी है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि योजना उनकी होती है, योजना का नाम वो रखते हैं, योजना उनकी कहलाती है और पैसा राज्य सरकार को भी देना पड़ता है। हम लोगों ने भी कहा है कि भाई आपको जितना ही पैसा देना है पूरा पैसा दीजिए और अपने ही केंद्र की योजना चलाइए जो केंद्रीय योजना कहलाती है। देखिएगा, एक केंद्रीय योजना नहीं चलाई है, खास के जब से ही नई सरकार जो
14 के बाद से बनी है। कोई केंद्रीय योजना नहीं चलती है, केंद्र प्रायोजित योजना चलती है। मतलब वो कुछ पैसा देंगे, हम लोग अपने संसाधन के पैसा भी उनके फॉर्मेट में डालेंगे, तब उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होगा और तब वो उनकी योजना कहलाएगी। सोच के देखिए राज्यों को कितने अधिक वित्तीय दबाव में रखने का तरीका है। ये सब अगर के नीति आयोग की बैठक हो रही है तो उनको देखना चाहिए, उन्हीं का फैसला है। अब ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा। चलिए हो गया।